दोस्त, मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को कैसे ख़त्म करूँगा, मुझे नहीं पता इस वीडियो को कैसे शुरू करूँगा, लेकिन कुछ बातें जो अनकही है, कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है। एडसेंस हाई CPC, हाई वॉल्यूम, टॉप पोजीशन ऑन गूगल, इन सारा जो कीवर्ड है हम लोगों के दिमाग में अक्सर चलते रहते हैं। और इसके रिगार्डिंग हम लोग YouTube का टॉप क्रिएटर का वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी जो दोस्तों कोई भी सोल्यूशन, फिक्स एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। और मैक्सिमम बंदा ब्लॉगिंग का सफ़र करते रहते हैं, गिने चुने जो लोग रहते हैं 1, 2, 3, उनका जो ब्लॉग अच्छा खासा रन कर पाता है और बाकी का ऐसा ही हाल है बुरा। तो क्यों है दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया जाएगा। और दोस्तों, आपके सामने फ़िलहाल एक इमेज है, इमेज के नीचे एक वर्ड है जिसका नाम है ब्लॉगिंग, और उसके ऊपर एक पिक्चर है जिधर में एक डेस्कटॉप है, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल, उसके ऊपर कुछ वीडियो, SEO, और दोस्तों एक इमेज, कंटैक्ट, फिर एक आर्टिकल। ये जो इमेज है दोस्तों, पूरा जो है ब्लॉगिंग को शो करता है। ब्लॉगिंग का फील्ड जो दिखने में बाहर से लगता था, जब हम लोग शुरू किए थे ब्लॉगिंग तब बहुत ही सही लगता था, मतलब पैसा ही पैसा होगा, ऐसा ही बात, मतलब बहुत पैसा है। और आने के बाद हम लोग को पता चलता है कि इसमें जो ज़्यादातर पैसा के ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ही सफरिंग है इसमें, और कुछ गिने चुने जो लोग रहते वो पैसा कमा पाते हैं दिन का $100, $200, $300, और बाकी जो है दिन का 0.5 ऑन डॉलर, उससे भी नीचे जो रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी फील्ड में अगर आप आते हैं तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है उसका थियोरिटिकल नॉलेज, उसका थियोरी, कैसे चीज़ें जो है काम करता है, कैसे चीज़ें जो प्रोग्रेस करता है। हम लोग सीधा सीधा क्या करते, सबसे पहला मिस्टेक करते, हम लोग प्रैक्टिकल पे सबसे पहले घुस जाते हैं, देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम लोग जो है इधर में जो सबसे ज़्यादा मेन मेजर मिस्टेक कर बैठते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, आप डेफिनेटली जितना भी समय एफर्ट आप प्रैक्टिस के ऊपर देंगे वो पूरा का पूरा जो है पानी पे बह जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, आप सभी जो है पवन सर को पहचानते होंगे, पवन अग्रवाल, जो ब्लॉगिंग का अच्छा जाने पहचाने नाम है, ठीक है। तो पवन सर का जो एक्सपीरियंस है 8 साल का ब्लॉगिंग के फील्ड में, और सर जो है फिलहाल में हाल ही में एक एक्सपर्ट डोमेन खरीदे थे 45,000 रुपीज़ से। वो जो ब्लॉग है दोस्तों पूरा का पूरा जो है डाउन हो चुका है, कुछ भी उसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कुछ भी कुछ नहीं हो रहा है। उसका वीडियो सर आज ही पब्लिश किए थे, मैं उसको देख रहा था। तो एक चीज़ इधर में जानना ज़रूरी है कि सर जो है ब्लॉगिंग का किंग भी कह सकते हैं इंडिया का, ठीक है। टॉप अगर क्रिएटर पकड़ लेंगे ब्लॉगिंग का तो सर का नाम आता है। तो सर जो है इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करने के बाद भी जो है पूरा का पूरा डाउन सर का हो गया है ब्लॉग, उस पर्टिकुलर ब्लॉग। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आना ज़रूरी है कि क्यों नहीं हो रहा है सर का, क्योंकि सर का इतना एक्सपीरियंस है, सर हर एक कंट्री में रैंक करते हैं, US में रैंक करते हैं, इंडिया में रैंक करते हैं, फिर भी सर का ब्लॉग क्यों नहीं चल रहा है, वो भी एक्सपायर्ड डोमेन, इतना पावरफुल डोमेन। जो हम लोग सोच रहे थे कि एक्सपायर्ड डोमेन मतलब बहुत ही, मतलब पैसा पैसा, बहुत ही टॉप रैंक और वगैरह वगैरह, जो कुछ भी अजम्पशन हम लोग के दिमाग में थे, तो मतलब क्यों हो रहा है, आपका दिमाग में कभी आया है क्वेश्चन? तो देखिए, सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने के लिए मिलता है, कभी भी जो दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज में डायरेक्ट नहीं घुसना है, पहले थियोरिटिकल बातों को समझना है। और एक दोस्तों बातें है, मेरा कुछ ब्लॉग है जो रिसेंट एकदम न्यू ब्लॉग है, जो मैं इधर में दो मेरा ब्लॉग का एग्जांपल देना चाहूँगा, दो नहीं तीन जो न्यू ब्लॉग है, एक USA का है, एक हिंदी का, एक बंगाली का। दोस्तों मेरा जो बंगाली का ब्लॉग है वो बंगाली लैंग्वेज में टॉप
पेज पे सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है उसका वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा। और दोस्तों और एक हिंदी वेबसाइट जिसका भी टॉप पेज का 6th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, लेकिन दोस्तों दोनों में जो है दोस्तों एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्शन मिला मुझको। और दोस्तों और एक ब्लॉग है यूएसए का, इसमें कुछ भी ढंग का आर्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल गया। उसमें क्लिक है सिर्फ और सिर्फ 90 और उसमें एडसेंस अप्रूवल मिल गया यूएसए का ब्लॉग में। इधर में कुछ भी आर्टिकल मतलब ढंग का कुछ भी मैंने नहीं किया। और इधर में एक ब्लॉग है इंडिया का, दोनों हिंदी और बंगाली लैंग्वेज का, इधर में क्लिक है बहुत ज़्यादा, जिसमें रैंक कर रहा है उसका एडसेंस नहीं आ रहा है, बता रहा है कि लो वैल्यू प्रॉब्लम, थिन कंटेंट। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात जो गूगल जो है एक अजीब सा चीज़ है, कोई भी बंदा जो गूगल को समझ नहीं सकता। देखिए एक ब्लॉग जो रैंक नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको एडसेंस मिल जा रहा है, और कुछ ब्लॉग जो टॉप पे रैंक कर रहा है जिसमें अच्छा क्वालिटी कंटेंट है उसको एडसेंस नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ों को हम लोग कैसे समझेंगे कि गूगल कैसे काम करता है? ये टोटल जो ब्लॉगिंग का SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो फंक्शन है ऐसा कैसे काम करता है? सबसे अगर मैं स्ट्रिक्ट आपको डायरेक्ट बताऊँ तो जो है आपको ये चीज़ किसी भी वीडियो से आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। आप जितना भी टॉप क्रिएटर का देख लीजिएगा, लो क्रिएटर का, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से। आप थ्योरी को पहले अदर जो ब्लॉगिंग का फील्ड में कुछ उखा रहे हैं उनका वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा और उनसे ही जो है आपको ज़्यादातर सीख मिलेगा। क्योंकि दोस्तों गूगल ऐसा काम करता है जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल दिया था। और दोस्तों एक मतलब एक रफ एंड टफ टाइम आता है ब्लॉग का फील्ड में, जिधर में आपका कुछ भी ट्रैफिक नहीं आता है, आप 1-2 साल से काम करते जाते हैं कुछ भी ट्रैफिक नहीं आता है, CPC नहीं बनते हैं, हम लोग फिर भी दूसरे का वीडियो देखते हैं, उसमें दिखाता है कि $100-$200 पर डे लोग कमाते हैं, हम लोग फिर से अपने ब्लॉग पे आ जाते हैं, फिर भी एफर्ट डालते हैं, टाइम डालते हैं, उसके बाद भी दोस्तों रिज़ल्ट सही 0 आता है, कम आता है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात इधर में एक चीज़ों को मैं ऐड करूँगा, अगर आप टॉप ब्लॉगर को पकड़ लीजिएगा, वो लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, वो लोग जो है कुछ किताबें पढ़ता है। हर एक फील्ड में, हर एक सेक्शन में ना दोस्तों कुछ डार्क टाइम होता है, जो बहुत ही डार्क होता है, जिधर में कुछ सामने का ना दिखाई देता है, कुछ पीछे का, कुछ साइड का, कुछ भी नहीं, पूरा मतलब डार्क। आप मतलब समझ लीजिए आप 2 साल से ब्लॉग कर रहे हैं, डेली आप एफर्ट डालते हैं 2-3-4 घंटा, लेकिन आपका एक उम्मीद है दिल में कि कहीं ना कहीं मेरा एक दिन आएगा जिधर में मेरा जो है अच्छा खासा दिन का $100-$200-$300 आ जाएगा। उस उम्मीद पे आप देखते रहते हैं वीडियो दूसरे का और काम करते हैं, लेकिन खुद का कोई एफर्ट नहीं रहता है। और ज़्यादातर इस जो पोजीशन है, जो टाइम पीरियड है, इधर में लोग जो है फेल कर जाते हैं। तो इधर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो आपको मोटिवेट करेगा वो है बुक्स। ठीक है, कुछ ऐसा बुक्स मेरे पास फ़िलहाल है, टेबल पे बहुत सारा बुक्स है, लेकिन एक को मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख पा रहे होंगे, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी बाय रोबिन शर्मा। ठीक है, एक मॉन्क जो अपना फेरारी को सोल्ड कर दिए, ये टाइटल जो बहुत ही डीप है और आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं अचानक से बुक का रेफरेंस क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बुक से ब्लॉग का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप डीपली जाएंगे तो दोस्तों ये जो फेसेस रहता है ना किसी भी फील्ड का, इससे निकलने के लिए आपको जो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सिर्फ मिलेगा आपको पॉजिटिव जो थॉट्स से। और वो पॉजिटिव थॉट्स आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, आप बुक से भी ले सकते हैं, एंड बुक इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स दैट वी कैन से। तो यही आपको बताना था मेन फंडामेंटल इन सारा जो अनकमन टॉक था, अनकमन वीडियो। कोई भी इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बताया, कुछ थियोरिटिकल ब्लॉक का एक्सपर्ट से नहीं बताया, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉक, कुछ इम्पोर्टेंट रियलिटी ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में मैंने बताया हो। तो ऐसा जो दोस्तों कुछ किताब आपको पढ़ना ज़रूरी है, इधर से आपको आइडियाज़ मिलते हैं कैसे चीज़ें काम करते हैं, कैसे थिंकिंग प्रोसेस आपका ग्रोथ होगा। क्योंकि
कुछ भी काम करने से पहले आपके पास एक विजन होना ज़रूरी है कि चीज़ें इसके बाद कैसे दिखेगा, चीज़ें इसको करने के बाद कैसा होगा। अगर आप खुद के मन में ये विजुअलाइज़ कर पाते हैं कि ये करने से ब्लॉक इधर जाएगा, इस चेंजेस को करने के बाद इधर जाएगा, तो आपके पास सफल होने का एक चांस है जो है दोस्तों खुल जाता है। ठीक है, बातों को समझिएगा, इस वीडियो को सिर्फ देखने से नहीं चलेगा, आपका वीडियो का हर एक चीज़ों को समझना पड़ेगा कि डार्क फेस होता है और डार्क फेस का वन एंड ओनली सॉल्यूशन इज़ फोकस एंड फ्री। फोकस का मतलब ये नहीं कि आपको डूबे रहना है, फ्री रहना है। फ्री रहने से आपका ज़्यादा थॉट आता है, ज़्यादा आपका डाइवर्शन बढ़ता है। बुक्स पढ़िए, अच्छा अच्छा किताब, जिससे आपको आइडिया आएगा। और दोस्तों आइडिया जैसे कि है ना सीड की तरह, सीड जिसे एक से दूसरा तीसरा बहुत सारा मल्टीपल जो निकलता है, और ये आइडिया हम लोग हर एक फील्ड में जो दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। यही था दोस्तों ब्लॉगिंग का कुछ रियलिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको खुद से ब्लॉग को देखना पड़ेगा, खुद से आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले थ्योरी, थ्योरी जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दोस्तों बाकी का चीज़ आता है, प्रैक्टिकल आता है बाद में, बाकी जितना भी कुछ है। और मेन चीज़ों को समझिए, दिमाग को खुला रखिए, तब आपका हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। यही था आज का कुछ इम्पोर्टेंट टॉक, वीडियो इधर में ख़त्म होगा। और भी बहुत सारा कुछ बताने का था, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ रियलिटी जो ब्लॉगिंग का है, मैंने आपको बताया कि टॉप टॉप बंदे भी दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन रहते हैं, कुछ नए बंदे भी अचानक से जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ बंदे का बहुत समय काम करने के बाद भी सेम लेवल चलता रहता है। तो एक पार्ट है, इससे आपको कहीं पर भी जो छुटकारा नहीं मिल सकता, लेकिन आप इसको एनहांस कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग, बाय लर्निंग, बाय अप्लाइंग। इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिएगा, ऑब्जर्व करिए, लर्न करिए, उसके बाद अर्न करिए। ठीक है, और यही हर एक चीज़ का, हर एक फील्ड का मेन गुरु मंत्र जिसे हम कहते हैं, इस चीज़ है। ठीक, और किसी का वीडियो आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो देखना नहीं है, वीडियो के ज़रिए क्या एक्चुअल थिंग्स, मूल जो मेन रिसोर्स जो है उसको एब्जॉर्ब करिए, वही आपका पावर बनेगा, वही आपका जो प्रैक्टिकल बनेगा। नहीं तो सिर्फ वीडियो को देखते हुए और प्रैक्टिकल अप्लाई कर देते, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपके अंदर कुछ नहीं आएगा। अप्लाई करेंगे दो दिन बाद भूल जाएंगे, अगर आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे ना, तब आपके पास उसका आउटकम आपके पास से आएगा। और भी वेरियस फील्ड पे, ब्लॉग के वेरियस सेक्शन पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल हुआ है, और थोड़ा हटके वीडियो था, कुछ रियलिटी था ब्लॉगिंग का। क्योंकि दोस्तों बंदे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट होने का नहीं है, सक्सेस मिलता है, और अप एंड डाउन तो लाइफ का पार्ट है। जुड़ते रहिए, जुड़िए, अच्छे अच्छे पीपल को फॉलो करिए, जो भी बंदा ब्लॉगिंग पे फील्ड में कुछ करे है, और जो रियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ जाइए, उनको देखिए। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो, एंड लाइक आपका मर्जी, सब्सक्राइब आपका मर्जी, लेकिन लर्निंग और जो तीनों चीज़ मैंने बताया था उसको ज़रूर से करना है। ठीक है, और मिलते अगला कोई फ्रेश वीडियो में, जिधर में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हेल्पिंग बॉय आ जाएगा। हेल्प करना ही मेरा काम है, क्योंकि दोस्तों डेली का डेली लर्निंग है, और 35% चीज़ें जो है ब्लॉगिंग में डेली ऐड होता है, तो टिप्स प्रोसेस बताने में मेरा कोई जो नुकसान नहीं होता है। मैं आपके साथ हर वक्त प्रीमियम इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि आपके सक्सेस से ही मेरा सक्सेस होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।